Good morning, student. Today discuss about paper chromatography. Previous class में discuss किया था column chromatography के बारे में. आज अपना main topic है paper chromatography. Paper chromatography principle, method of paper chromatography, different visualization techniques, applications, ये सारे चीज़ें अपन today discuss करेंगे. ठीक है, तो के आज से आगे भी स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट कंटेंट्स में फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी, सेकंड वन है टाइप्स ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी, थर्ड प्रिंसिपल पेपर क्रोमेटोग्राफी, इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी, स्टेप इन पेपर क्रोमेटोग्राफी, सिलेक्शन ऑफ सॉलिड सपोर्ट, सिलेक्शन ऑफ मोबाइल फेज, सेचुरेशन ऑफ टैंक, सैंपल प्रिपरेशन एंड लोडिंग, डेवलपमेंट ऑफ क्रोमेटोग्राम, ड्राइंग ऑफ क्रोमेटोग्राम, रिटेंशन आर ए वैल्यू, एडवांटेज ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी, एप्लीकेशन ऑफ क्रोमेटोग्राफी एंड लिमिटेशंस ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी. ये हमारा टेबल कंटेंट्स मतलब में आपका टॉपिक के मेन पार्ट्स हैं, हाईलाइट हेडलाइंस हैं. इसके अंदर हम पेपर क्रोमेटोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे. पेपर क्रोमेटोग्राफी आपकी भी एक एनालिटिकल टेक्निक्स है, और इसको अगर अदर वर्ड में बोले तो सेपरेशन टेक्निक्स है, यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक सैंपल्स, डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिक सैंपल को सेपरेशन करने के लिए स्पेशली हम यूज करते हैं. एमिनो एसिड्स का सेपरेशन, ब्लड प्रोडक्ट्स एमिनो एसिड्स के मेन सेपरेशन के लिए हम यूज करते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी का. आगे चलते हैं इंट्रोडक्शन. पेपर क्रोमेटोग्राफी इज अ टेक्निक्स दैट इन्वॉल्व द प्लेसिंग ए स्मॉल डॉट ऑफ लाइन ऑफ सैंपल सॉल्यूशन इनटू द स्टेप ऑफ क्रोमेटोग्राफिक पेपर. मीन्स आपका क्रोमेटोग्राफिक पेपर्स में एक, अगर हम बात करें क्रोमेटोग्राफिक पेपर में वॉटमैन पेपर्स में एक स्पॉट करते हैं, डॉट लाइंस करते हैं, डॉट करते हैं, इसके थ्रू हम सबको सेपरेशन करते हैं डिफरेंट कंपोनेंट्स का. द पेपर इज प्लेस्ड इन द कंटेनर विद हेलाउ लेयर ऑफ सॉल्वेंट इज सील्ड. ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है पेपर्स को हमने एक सील्ड कंटेनर्स के अंदर इनसाइड पर इंसर्ट किया है. एज द सॉल्वेंट इज राइज टू द पेपर, मीट द सैंपल मिक्सचर्स एंड स्टार्ट ट्रेवल अप टू अपर विद द सॉल्वेंट. नीचे से लेकर के सॉल्वेंट जो हमारा टॉप बॉटम में होता है ड्यू टू द कैपिलरी रिएक्शन ऊपर की ओर मूवमेंट्स करता है, मतलब अप डायरेक्शन में मूवमेंट. दिस पेपर इज मेड ऑफ सेलुलोज. ये आपका पेपर जो है सेलुलोज का बना हुआ था, पोलर सबस्टेंस एंड कंपाउंड विद मिक्सचर टेबल फॉर द दिस लेस कोल्ड. मोर पोलर सबस्टेंस बॉन्ड विद सेलुलोज पेपर मोर क्विकली एंड देयरफॉर डू नॉट ट्रेवल एज द. ये अपन मेन क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स. डिफरेंट डिफरेंट पेपर्स का आप देख सकते हैं कुछ स्निपशॉट है, डायग्राम्स हैं. स्टार्टिंग मटेरियल से यहाँ पे आपने स्पॉट किया पेपर को, बीकर से सपोज यहाँ पे सॉल्वेंट सिस्टम के लिए हमारा जो टैंक यूज किए पेपर स्पिन पीसेस ऑफ वुड्स ऊपर का हम लिखे इस तरह से रेड. यहाँ पे देखिए सपोज डिफरेंट डिफरेंट से केमिकल कॉन्स्टेंट्स मिक्सचर्स के अंदर प्रेजेंट है, डिफरेंट कलर्स दिख रहा है आपका. ये अब अगर हम बात करेंगे इंक ले रहे हैं तो इस तरह से ऊपर की ओर अपवर्ड डायरेक्शन से. या तीसरे में देखें ओरिजिन से, यहाँ पे देखें रेड है, पर्पल, ब्लू और सॉल्वेंट. डिफरेंट डिफरेंट सॉल्वेंट के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट कंपोजिशन मिक्सचर्स के ट्रेवलिंग्स हैं ऊपर की ओर सेपरेट हो रहे हैं. अपने प्रीवियस क्लास में जो टीएलसी में किया है सेम हम यहाँ पे करते हैं. तो व्हाट इज द पेपर क्रोमेटोग्राफी, और भी डिफाइन कर सकते हैं. क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक यूज पेपर शीट स्ट्रिप एंड एब्जॉर्बेंट विद स्टेशनरी फेज थ्रू ए सॉल्यूशन मेड ए पास कॉल्ड ए पेपर क्रोमेटोग्राफी. मीन्स पेपर के थ्रू स्टेशनरी फेज के थ्रू आपका सॉल्वेंट का मूवमेंट्स है, ये हमारा पेपर क्रोमेटोग्राफी. इट इज ए एक्सपेंसिव इनएक्सपेंसिव मेथड फॉर सेपरेटिंग डिजोल्व केमिकल सब्सटेंस बाय देयर डिफरेंट माइग्रेस रेट अक्रॉस द शीट पेपर. इट इज द पावरफुल एनालिटिकल टूल्स यूज फॉर द वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल. मीन्स डिफरेंट डिफरेंट मोबिलिटीज के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट माइग्रेशन होता है. यहाँ पे सॉल्यूट पार्टिकल्स की माइग्रेशन अकॉर्डिंग टू द एफिनिटी. मीन्स आपके सॉल्यूट की सैंपल की एफिनिटी आपके पेपर के साथ कैसी है, साथ साथ आपकी सॉल्यूट की एफिनिटी या सॉल्वेबिलिटी आपके सॉल्वेंट सिस्टम के साथ कैसे. यहाँ पे आप देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट ये देखिए यहाँ स्पॉटिंग किया है डिफरेंट डिफरेंट सॉल्वेंट में. आपको यहाँ तीन चार स्पॉटिंग है, उसके बाद हमने पुट अप किया है सॉल्वेंट सिस्टम पे, देन मूवमेंट्स कर रहे हैं. अब आप देखिए इसमें आपके जो ये स्पॉट हैं ये विद द हेल्प ऑफ मोबाइल फेज के थ्रू मूवमेंट्स ऊपर की तरफ ये मूवमेंट्स करते हैं. ये हमारा सॉल्वेंट इतनी दूर तक रन किया है, अब सॉल्वेंट का रनिंग हमारे यहाँ तक पहुँच गया है ये सॉल्वेंट यहाँ. उसी प्रकार यहाँ पे देखिए सॉल्वेंट है, इस सॉल्वेंट पे वन स्पॉट है, इस रनिंग हुआ यहाँ
सेकंड बार में यहाँ तक और थर्ड बार में ये, ठीक है। क्रोमेटोग्राफी टेक्निक डिपेंड ऑन द मोबिलिटी ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के इंट्रेक्शन पे डिपेंड करता है। साथ साथ ही ये एक इनएक्सपेंसिव मेथड से फास्ट रिस्पॉन्स है और बहुत स्मॉल क्वांटिटी का सैंपल भी इसके अंदर एनालाइज कर रहे हैं, माइक्रोग्राम से या मिलीग्राम का सैंपल भी इसमें अगर स्पॉटिंग करते हैं, अगर उसमें रखते हैं तो वो भी आपका मूवमेंट्स करता है बहुत ही ईजिली। पेपर क्रोमेटोग्राफी फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय, अपन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे जाते हैं हिस्ट्री में, फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय द जर्मन साइंटिस्ट क्रिश्चियन फ्रेडरिक स्कोनबीन इन 1865 पे सबसे पहले यूज किया था। पेपर क्रोमेटोग्राफी कंसिस्ट सिंपलेस्ट एंड मोस्ट वाइडली यूज द क्रोमेटोग्राफी टेक्निक बिकॉज इट इज अप्लीकेबिलिटी टू आइसोलेशन आइडेंटिफिकेशन एंड क्वान्टिटेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। आपकी क्रोमेटोग्राफी टेक्निक को सिंपल से वाइडली एप्लीकेशन है, व्यापक स्तर पर यूज हो रही है टेक्निक्स में, अप्लीकेबल्स है आइसोलेशन के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए, क्वान्टिफिकेशन स्टेट डिटर्मिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की यूज करते हैं। ये देख सकते हैं ये आपके साइंटिस्ट हैं, जर्मन साइंटिस्ट स्कोनबीन्स, ये आपके साइंटिस्ट हैं जिन्होंने 1865 में सबसे पहले पेपर का यूज किया था सेपरेशन आइडेंटिफिकेशन के लिए कंपाउंड्स। अगर आगे डिटेल देखेंगे डिफरेंट एनालिटिकल टेक्निक्स फॉर सेपरेशन आइडेंटिफिकेशन मिक्सचर दैट आइदर कलर्ड और कैन बी मेड कलर्ड, इट इज अ लिक्विड पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ एमिनो एसिड सुगर सुगर डेरिवेटिव्स एंड पेप्टाइड्स। फर्स्ट स्टेशनरी फेज इज वाटर हेल्ड इन द सॉलिड सपोर्ट फिल्टर पेपर इज सेलुलोज। सेकंड है मोबाइल फेज इज मिक्सचर ऑफ इमिसिबल सॉल्वेंट, जरूरी नहीं इमिसिबल होने से, इमिसिबल हो सकते हैं मतलब कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स के सॉल्वेंट्स हम इसके अंदर मोबाइल फेज में यूज करते हैं। जनरली सॉल्वेंट्स यूज करते हैं ब्यूटेनॉल एसिटिक एसिड एंड वाटर और फिनॉल वाटर और अमोनिया, ये दो टाइप के जनरली हम सॉल्वेंट सिस्टम मोबाइल फेज के लिए यूज करते हैं। आगे अपन डिटेल्स लेते हैं। पेपर क्रोमेटोग्राफी के एनालिटिकल टेक्निक्स मेथड यूज फॉर सेपरेट कलर्ड केमिकल्स और सबस्टेंस। It is primarily used the teaching tools having been replaced of the chromatographic methods such as thin layer chromatography. A paper chromatography variant, two-dimensional chromatography involve using the two solvent rotating over the 90 angles between useful the separating mixtures, complex mixture compound having similar polarity, for example of amino acids. Okay? The setup of three components in mobile phase of solution is the travels through the stationary phase due to the capillary action. आपका mobile phase है, solute आपका travel करेगा capillary action के through with the help of stationary phase. And mobile phase is generally mixture of non-polar organic solvent. आप ध्यान समझिए कि यहाँ पे generally जो solute stationary phase polar use कर रहे हैं और आपका मोबाइल फेज पोलर एंड नॉन पोलर दोनों को मिक्सिंग करते हैं, तो ठीक है। तो मोबाइल फेज जनरली मिक्सचर्स ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट एंड वाइल द स्टेशनरी फेज पोलर इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट वाटर। हियर द पेपर यूज सपोर्ट ऑफ स्टेनिस फेज वाटर पोलर मॉटर मॉलिक्यूल्स इन साइड ऑफ द बॉयड स्पेस से लोज नेटवर्क ऑफ द हाउस। अब आप देख लेते हैं टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी, दे आर टू टाइप्स जनरली, दे आर बेस्ड ऑन द डेटा पेपर एडसॉर्प्शन एंड पेपर पार्टीशन। पेपर एडसॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी पेपर इमर्स्ड विथ ए सिलिका और एल्यूमिना एक्ट एज ए एडसॉर्बेंट स्टेशनरी फेज एंड सॉल्वेंट एज ए मोबाइल फेज। अगर आपके पेपर्स के ऊपर कोटिंग एल्यूमिना सिलिका से होती इम्प्रीग्रेटेड होता है पेपर, उस कंडीशंस में पेपर एडसॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी कहेंगे, मीन्स आपका स्टेशनरी फेज क्या होगा पेपर्स में सॉलिड सपोर्ट होगा। सेकेंड वन है पेपर पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में मॉइस्चर या वाटर प्रेजेंट इन द पोर्स ऑफ सेलुलोज पेपर, यहाँ पे क्या यूज करेंगे सेलुलोज पेपर का यूज करते हैं, अरे सेलुलोज पेपर्स का यूज करेंगे, सेलुलोज आपका यहाँ पे पेपर्स होगा, या देन प्रेजेंट इन फिल्टर पेपर्स एट ए स्टेशनरी फेज एंड अनदर मोबाइल फेज यूज एज सॉल्वेंट। जनरल पेपर क्रोमेटोग्राफी मोस्ट प्रेफर्ड इन पेपर पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। तो आपन जनरली अगर पेपर क्रोमेटोग्राफी की बात करेंगे तो आपका प्रिंसिपल पेपर पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी पे बेस्ड होता है, मींस मेन प्रिंसिपल पेपर क्रोमेटोग्राफी का पेपर पार्टीशन पे होगा, ध्यान रखना है। लेकिन अगर पेपर को ऊपर सिलिका एल्यूमिना से कोटिंग करके यूज करेंगे तो स्टेशनरी फेज होगा, वहाँ पे पेपर एडसॉर्प्शन होगा, लेकिन मेन प्रिंसिपल पेपर क्रोमेटोग्राफी का
पेपर पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी होता है। क्यों? क्योंकि आप स्टेशनरी फेज में हम सेलुलोज पेपर का यूज करते हैं और सेलुलोज पेपर में उसके अंदर वाटर का मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो एज ए लिक्विड एक्ट करता है, लिक्विड एक्शन करता है, एंड सॉल्वेंट जो होते हैं हमारे मोबाइल फेज में ऑलवेज लिक्विड यूज करते हैं। ये आपको ध्यान रखना। प्रिंसिपल पार्ट पे जाएंगे। द प्रिंसिपल इन्वॉल्व द पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी और एडसॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी बिकॉज पार्टीशन में आपने भी था पार्टीशन बिटवीन टू फेज, दो लेयर्स होगी जिसमें से एक लिक्विड्स है, अपन वाटर से लिक्विड्स बात करते हैं, वाटर ऑर्गेनिक लेयर्स एंड इनऑर्गेनिक में मतलब अपन बात करेंगे तो हाइड्रोफिलिक्स एंड लिपोफिलिक्स। मीन्स पार्टीशन मतलब होती है हमेशा दो फेज, जहाँ पे एक ड्रॉप की ऑयल्स की फेज होती है और दूसरा वाटर की मतलब हाइड्रोफिलिक है, हाइड्रोफिलिक दो फेज क्लियर होती है, उसको बोलते हैं पार्टीशन। उसको बोलते हैं क्या? पार्टीशन। तो यहाँ पे पार्टीशन डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन लिक्विड फेज, टू फेज आर वाटर हेल्ड इन पोर्स फिल्टर पेपर एंड अदर फेज इज मोबाइल फेज इन पास थ्रू द पेपर। व्हेन द मोबाइल फेज मूव, जैसे मोबाइल फेज होता है सेपरेशन, मिक्सचर टेक प्लेस, द कंपाउंड इन द मिक्सचर सेपरेट themselves both in the different their affinity toward the stationary phase and mobile phase solvent under the capillary action in the force in the paper. Means आपको यहाँ पे mobile phase और stationary phase आपका solute molecules जो run करेगा depend करतेगा आपकी इस partitions stationary phase से किस तरह से affinity है और mobile phase से किस तरह के affinity, solute molecules की affinity के ऊपर आपका moments होता है और moments क्या कैपिलरी एक्शन के थ्रू मोमेंट्स हो। आपका अगर सॉल्यूट आपके स्टेशनरी फेज से अगर बाइंडिंग प्रॉपर्टीज ज्यादा होगी, मोर अफिनिटी होगी, बंद कर रहे हैं दरवाजा, हम कहीं कॉमन कहा है